मुख्यालय नालचा के जनपद सभाहाल में श्री धारेश्वर हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर धार के सौजन्य से निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ वरिष्ठ समाज सेवी कमलदास महंत, मोहन लाल शर्मा, प्रेस क्लब अध्यक्ष अशोक मिरदवाल, भाजपा अजजा मोर्चा जिला महामंत्री लालजी डावर, पूर्व सरपंच भोजपाल दरबार, पूर्व उप सरपंच विनोद सिंह ठाकुर, समर्थ हेल्थ क्लिनिक नालचा संचालक डॉक्टर महेश यादव और श्री धारेश्वर हॉस्पिटल के संचालक जितेन्द्र चौहान, विष्णु कुमार सांखला, कैलाश कुमार रायखले आदि के द्वारा भारत माता बाबा धारनाथ और रामपाल की धाम के भ्रमलीन संत 1008 श्री सर्वेश्वर दास जी महाराज के चित्र पर मालार्पण दीप प्रज्वलन कर किया गया। सभी अतिथियों शिविर में निःशुल्क सेवा देने के लिए आए चिकित्सकों का पुष्पमाला से स्वागत किया। मुख्य अतिथि कमलदास जी महंत ने कहा कि हमने कोरोना काल के समय में डॉक्टर के समर्पण और सेवा भाव को देखा है। डॉक्टर और मरीज के बीच में विश्वास की बुनियाद पर टिका रहता है। मरीज को मुसीबत में भगवान से पहले डॉक्टर याद आता है। धारेश्वर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर के संचालक जितेन्द्र चौहान ने बताया कि मानव सेवा हमारा पहला धर्म है। हमने धार में उच्च स्तरीय और सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का शुभारंभ किया है। साथ ही जहां एक ही छत के नीचे सारी जांचें और सारी सुविधाएं मरीजों को दी जाती हैं, हर समय पर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का अलग से स्थानों पर आयोजन करते हैं ताकि गरीब और जरूरतमंदों को स्वास्थ्य लाभ दिया जा सके और यही हमारी प्राथमिकता है। स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है, इसका क्या उद्देश्य है? ये धारेश्वर हॉस्पिटल के तत्वाधान में कैंप लगाया गया जो कि निःशुल्क है पूरी तरह से। यहाँ पे कुछ जांचें और कुछ दवाइयाँ भी पूरी तरह से निःशुल्क हैं और साथ ही परामर्श भी जो दिया जा रहा है विशेषज्ञ चिकित्सा द्वारा वो भी निःशुल्क है। सर आपका नाम? डॉक्टर आशीष डांगर। किन किन बीमारियों को देखने के लिए डॉक्टर आए हैं? पहले तो मैं अपना नाम बताना चाहूँगा, प्रणय गुर्जर, डायरेक्टर श्री धारेश्वर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड। और इस शिविर में हमने जो डॉक्टर्स को बुलाए हैं जैसे शिशु रोग विशेषज्ञ हो गए और एमडी मेडिसिन हो गए, गायनिक हो गए हैं और हड्डी रोग विशेषज्ञ हो गए हैं, इन तमाम जो इनसे जुड़ी जितनी भी बीमारियों से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ये सारे डॉक्टर्स अपने यहाँ उपलब्ध हैं। और यहाँ के मुझे नालचा का हमारा दूसरा कैंप है और यहाँ का हमें बहुत सपोर्ट मिला है और डॉक्टर महेश यादव जी ने हमको बहुत सपोर्ट किया है इस कैंप को, इस पर्व को ऊँचा ले जाने तक का। और हमारी प्लानिंग जो है आगे और भी कैंप करना है। अभी जैसे हमारा नालचा में पहला कैंप है, आगे हम डिकठान वगैरह में भी लगाने वाले हैं, राजगढ़ में भी हम कैंप करने वाले हैं, बरमंडल में भी करने वाले हैं। इसी तरह से हमारे अभी 5-6 कैंप हमें आगे प्लानिंग करने वाले हैं और इसी तरह चिकित्सा के क्षेत्र में हम अपनी मूलभूत सुविधाएँ अपने आधुनिक अस्पताल के जरिए हम अपने लोगों को तो ये सारी फैसिलिटीज़ पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे और सभी लोगों का सेवा भाव से इस कैंप में स्वागत रहेगा और अपनी मूलभूत सुविधाएं इन लोगों तक पहुंचाने में हमारा योगदान रहे और आप सभी का सपोर्ट लगेगा। धन्यवाद।